खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात लॉकडाउन में उस्ताद की, तो आदमखोर का कलंक झेलकर बाघ T24 यानी उस्ताद एक बाड़ी में जिंदगी काट रहा है, लेकिन अब वन्य जीव प्रेमियों में एक बार फिर उस्ताद की रिहाई की मांग उठने लगी है। लगातार कहा जा रहा है कि उस्ताद की रिहाई हो। NTCA से लेकर CZA तक नॉर्म्स को ताक पर रखकर उस्ताद को 16 मई 2015 को लॉकडाउन कर दिया गया था। उस्ताद पर 4 लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन ये अलग बात है कि आज तक इनमें से एक भी घटना की पुष्टि नहीं हो सकी है। 5 साल से अपनी बेगुनाही की जंग लड़ रहे उस्ताद की हकीकत से पर्दा उठाती फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। रणथंभौर के जंगल में राज करने वाले उस्ताद यानी बाघ T24 को 16 मई को लॉकडाउन में 5 वर्ष हो गए हैं। इंसान पर हमले के आरोप में उस्ताद को एक ऐसी सजा सुनाई गई जिससे उसकी जंगल की दहाड़ पिंजरे की दर्दनाक जिंदगी में बदल गई। लेकिन बाघ के घर में घुसने वाले इंसान पर अगर बाघ ने हमला किया तो दोषी बाघ कैसे हुआ, और क्या इस तरह की घटनाओं के बाद जंगल के राजा को कैद करना उचित है? इन सब सवालों के बीच आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला। उस्ताद पर वन रक्षक रामलाल सैनी पर कथित रूप से हमला कर मौत की घाट उतारने के आरोप लगे, जिसके बाद 16 मई 2015 को उसे उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया था। कथित तौर पर 4 व्यक्तियों की मौत के बाद होटल लॉबी का दबाव बना तो उस्ताद को उदयपुर स्थित बायोलॉजिकल पार्क शिफ्ट किया गया। ये काम एक सीक्रेट मिशन के तरह किया गया था। उस समय उदयपुर वाइल्ड लाइफ के DFO टी मोहन राज थे। मीडिया के प्रेशर के बाद लगातार उस्ताद की सेहत की खबरें आने लगी। वन्य जीव प्रेमियों में उस्ताद को लेकर कैद करने पर रोष भी था। उस समय उस्ताद के लिए मानो पूरे भारत के वन्य जीव प्रेमी एक हो गए थे। इस बीच कई बार उस्ताद के गंभीर रूप से बीमार होने की खबरें भी आईं, लेकिन किसी को भी उसकी वास्तविक हालत देखने के लिए अनुमति नहीं दी गई। उस समय वन मंत्री राजकुमार रेडवा उस्ताद को देखने गए थे, लेकिन उस्ताद की रिहाई को लेकर मीडिया के सवालों को टाल गए थे। NTCA और CZA ने भी उस्ताद को लॉकडाउन करने को गलत माना, इसलिए बेहतर होगा कि उस्ताद को वापस जंगल में छोड़ा जाए। रणथंभौर के फेमस बाघ उस्ताद को आज से 5 साल पहले उस पर गलत आरोप लगा के उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कैद कर दिया गया। 5 साल से वो बाघ वहीं कैद है। देखिए, हम बचपन से सुनते आए हैं चाहे 10 गुनहगार छूट जाए, लेकिन किसी एक बेगुनाह को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। उस्ताद के साथ ऐसा ही हुआ, उसको उस गुनाह की सजा दी गई जो उसने किया ही नहीं था। साल 2015 में T24 यानी टाइगर उस्ताद को NTCA की प्रायर अप्रूवल के बिना रणथंभौर से उठाकर उदयपुर जू के रेस्क्यू सेंटर में बंद करने का निर्णय गैर कानूनी था, जिसे NTCA ने अपनी जांच रिपोर्ट में भी स्वीकारा था। CZAI ने लगातार उस टाइम पे सरकार को लिखा कि उस्ताद को टोटली गैर कानूनी तरीके से जू के अंदर रखा जा रहा है, पर बदकिस्मती से ना तो दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही उस्ताद रिलीज हुआ। उस्ताद यानी बाघ T24 का जन्म साल 2006 में हुआ। रणथंभौर के लाहपुर इलाके में जन्मा उस्ताद अपनी ताकत और मिजाज के लिए जाना जाता है। उस्ताद का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग है। उस्ताद उस मशहूर बाघिन मछली का पोता है जिस पर दुनिया भर में कई डॉक्यूमेंट्री बनी है। उस्ताद के 2 भाई T23 और T25 हैं। उसकी मेटिंग पार्टनर नूर नामक बाघिन है, लेकिन बेगुनाह होने के बाद भी उस्ताद पिछले 5 साल से कैद में जीने को मजबूर है। अब उस्ताद का व्यवहार भी बदल गया है। पहले नॉन डिस्प्ले एरिया में उस्ताद किसी को देखते ही भड़क उठता था, लेकिन अब होल्डिंग एरिया में किसी पार्क कर्मी को देखकर छिपने की कोशिश करता है। उस्ताद की तरह ही T104 भी फिलहाल कैद में है। ऐसे में सवाल उठता है कि वन्य जीवों को लेकर काम कर रही बड़ी बड़ी संस्थाएं, वन विभाग और मंत्रालय आज तक ऐसी कोई नीति तैयार नहीं कर पाए हैं जिससे बाघ और इंसान के आपसी संघर्ष की सजा किसको मिले ये तय हो पाए। 16 मई मेरी नजर में वो काला दिन है फॉरेस्ट के लिए, जिस दिन उस्ताद T24 टाइगर को रणथंभौर से शिफ्ट कर दिया था सज्जनगढ़ जूलॉजिकल पार्क में।
दैट वॉज रियली मोस्ट पैथेटिक थिंग आई एवर कैन सी डन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. जो जानवर आज की तारीख में हम देख सकते हैं, हम बी बीन क्वारंटाइन आई मीन आइसोलेशन में रहे हैं, तो कितना बुरा लगता है आइसोलेशन में रहना. और उस जानवर को इट्स बीन ओवर 5 ईयर्स, उस जानवर को गवर्नमेंट वहाँ छोड़ के बिल्कुल भूल चुके हैं. आज उस्ताद को T24 नामक टाइगर को आज शिफ्ट किए हुए करीब 5 साल से ऊपर हो गए हैं. जो एंटायर प्रोसेस था उसका शिफ्टिंग का, जो रणथंभौर से उसे उदयपुर के एक चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया, वो सब गलत था. T24 उस्ताद एक मैन ईटर टाइगर नहीं था, आदमखोर टाइगर नहीं था. NTCA ने भी उसे आदमखोर नहीं माना गया. तो एंटायर जो शिफ्टिंग करी गई है उस्ताद की फ्रॉम रणथंभौर से लेके उसको उदयपुर में भी, उसमें सारे जितने भी कानून और कायदे NTCA द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए हुए, उन सब की अवहेलना की गई है. T24 यानी उस्ताद पर 4 इंसानों के कत्ल का आरोप है. चारों घटनाएं कोर क्षेत्र की हैं और चारों में उस्ताद को महज शक यानी कि उसकी आक्रामकता के आधार पर आरोपी बनाया गया था, जबकि हकीकत में चारों घटनाओं में उस्ताद के होने के कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है. ऐसे में बेहतर होगा कि सरकार उस्ताद को अपने घर यानी जंगल में जल्द ही छोड़ दे. निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर. अब लगातार उस्ताद की रिहाई की मांग उठने लगी है. जो वन्य जीव प्रेमी हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस्ताद की रिहाई होनी चाहिए. 4 साल से बाड़े में बंद है T24 उस्ताद, जिसकी रिहाई को लेकर लगातार आवाजें अब सुनाई दे रही हैं. आक्रामकता के आधार पर उसको बंद किया गया है. 5 साल का लंबा अरसा बीत गया, लेकिन अभी तक जो उस्ताद के प्रेमी हैं, जो वन्य जीव प्रेमी हैं, वो लगातार ये चाहते हैं कि उस्ताद को रिहा कर दिया जाए, उसको उसके घर में ही आराम से रहने दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. जिसकी जैसे अब लगातार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ भी लोग देख रहे हैं. कई जगह से हर जो भी यहाँ पर वन्य जीव पहुँचते हैं या फिर जो वन्य जीवों से बात, वन्य जीव प्रेमियों से बात होती है, तो उनकी तरफ से लगातार यही कहा जाता है कि सिर्फ आक्रामकता के आधार पर सजा देना सही नहीं है. बेगुनाह उस्ताद को किस तरीके से कैद किया गया है वो पूरी डिटेल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं. किसी को उसकी हालत देखने की अनुमति नहीं दी. क्या पूरा मामला था वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. उस समय के मंत्री राजकुमार रिणवा उस्ताद को देखने गए, रिणवा उस्ताद की रिहाई के सवालों को टाल गए थे. और साथ ही कौन है उस्ताद, उस्ताद यानी बाघ T24 का जन्म 2006 में हुआ था और उसके बाद उस्ताद अपनी ताकत और मिजाज के लिए जाना जाता है. उस्ताद का फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रांग है, मजबूत है. उस्ताद मशहूर बाघिन मछली का पोता है, जिसके लिए वो और भी ज़्यादा फेमस है, मशहूर है. उस्ताद के 2 भाई T23 और T25 हैं और साथ ही उस्ताद की मेटिंग पार्टनर नूर नामक बाघिन है. उस्ताद 5 साल से कैद में जीने को मजबूर है, वो बंद है, कैद में है. अब उस्ताद का व्यवहार भी बदल गया है. पहले जो आक्रामकता उसमें देखी जाती थी वो आक्रामकता अब देखी नहीं जा रही है. पाक कर्मी को भी देखकर छिपने की कोशिश अब उस्ताद करता है और साथ ही उस्ताद पर वन रक्षक की हत्या के आरोप लगे. क्या पूरा आरोप है, क्या आरोप उस्ताद पर लगा? 16 मई 2015 को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया और इसके बाद जो पूरा प्रोसीजर था, 4 व्यक्तियों की मौत के बाद होटल लॉबी का दबाव बना. उस्ताद को उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क शिफ्ट किया गया. शिफ्टिंग का काम सीक्रेट मिशन की तरह किया गया, किसी को इसकी जानकारी नहीं दी गई. उदयपुर वाइल्ड लाइफ के DFO T मोहन राज थे. मीडिया के प्रेशर के बाद उस्ताद की सेहत की खबरें बाहर आने लगी धीरे धीरे. वन्य जीव प्रेमियों में उस्ताद को कैद करने पर रोष था, अब वो रोष रह रहकर बाहर निकल रहा है. उस्ताद के लिए पूरे देश के वन्य जीव प्रेमी एक हो गए थे. कई मरतबा उस्ताद के गंभीर रूप से बीमार होने की खबरें भी निकल कर सामने आई और किसी को उसकी हालत देखने की अनुमति अभी भी नहीं है. लंबे वक्त से 5 साल का अरसा और 5 साल से लगातार जो वन्य जीव प्रेमी हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि उस्ताद की रिहाई संभव हो पाएगी जल्द से जल्द. इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं. सीधा मैं रुख निर्मल का करती हूँ. निर्मल, क्या लॉकडाउन खत्म होगा उस्ताद का, क्या लगता है, क्योंकि 5 साल का अरसा बीत गया अभी तक कैद में उस्ताद? देखिए, लॉकडाउन उस्ताद का समाप्त करना ही होगा, क्योंकि उस्ताद पर जो भी 4 लोगों की मौत के जो आरोप लगे कि उनको उसने मार गिराया, एक में भी आज तक पुष्टि नहीं हुई. NTCA जैसी संस्था, जो वन्य जीवों की सबसे बड़ी संस्था है हिंदुस्तान की, उसने कह दिया कि उस्ताद पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं. CZA जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, उसने सीधे तौर पर कह दिया कि उस्ताद पर जो आरोप लगे उनकी पुष्टि नहीं हुई है. फिर किस बिना पर आपने उस्ताद को कैद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि एक होटल लॉबी का दबाव था उसके, उसको लेकर के आप सीधे एक बाघ को उठाते हैं जिसको कि उसके मिजाज के लिए, उसकी आक्रामकता के लिए
और जिस तरह से उसने टेरिटरी बनाई अपनी उसके लिए जाना जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी रणथंभौर में पर्यटक पहुंचता था वो उस्ताद को देखने के लिए ही वहां पर जाता था, क्योंकि उस्ताद ही एकमात्र ऐसा बाघ है जो जोन नंबर 1 से लेकर 6 तक पूरा 6 जोन के अंदर उसने अपनी अपना आधिपत्य बना रखा था। और सबको साइटिंग देता था, किसी से कोई डर नहीं, किसी तरह का कोई भय नहीं, और काफी फ्रेंडली भी हो गया था। ऐसे में उस्ताद को आप बिना आरोप के, जो आरोप लगे उनकी पुष्टि के, एकदम से उसको सज्जनगढ़ ले जाया जाता है हाथ रातों रात, और उसको वहां पर कैद कर दिया जाता है। 16 मई को उसको 5 साल भी हो जाते हैं। तो क्यों ना उस्ताद को एक निरीह प्राणी, एक बेजुबान जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, जिसमें जिसको आप जबरदस्ती ले जाते हो, तो किस बिना पर ले जाते हो? इन सब सवालों का जवाब आज भी अधूरा है। किसी ने भी इन सवालों के जवाब आज तक नहीं दिए हैं। तो बेहतर तो ये होगा सरकार जल्दी से जल्दी उस्ताद को छोड़े, क्योंकि उस्ताद का 2006 का जन्म, करीब 14 साल की उसकी उम्र हो गई, और एक बात की उम्र 14 से 18 साल के आसपास होती है। तो अब वो अपने बुढ़ापे के दौर में है, आपने 5 साल से उसको लॉकडाउन करेगा तो उसको जंगल में छोड़िए, तो कहीं ना कहीं या तो बड़े एनक्लोजर में ले जाकर छोड़ दिए, उसको सरिस्का छोड़िए, रणथंभौर छोड़, छोड़ना ही होगा। तो बेहतर तो यह है कि जल्दी से जल्दी उस्ताद को लेकर के कोई फैसला सुनाया जाए, और आगे भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि उस्ताद की जैसी सजा किसी को ना मिले, क्योंकि बात जो भी चारों घटनाएं हैं, और बड़ी बात इसमें यह भी है कि चारों जो किलिंग की घटना हुई थी वो कोर जोन में हुई थी, यानी कि वो बाघों का बसेरा है। आप वहां गए, बाघ ने आपको बुलाया नहीं, आप आइए यहां पर। अगर आप उसकी टेरिटरी में जा रहे हैं, उसके रहवास में जा रहे हैं, जहां वो रहता है वहां जाओगे, तो सीजेडए ने भी इसको गलत माना है, सजा को गलत माना है। तो फिर आखिर किस बिना पर उस्ताद को कैद किया गया है पिछले 5 सालों से, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब सरकार की तरफ सभी की निगाहें हैं, उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उस्ताद का लॉकडाउन खत्म होगा। बहुत शुक्रिया निर्मल आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए।